Thank you. We can have question answers now. Thank you very much for listening to me so patiently. I'm really thankful to all the participants, and I invite the suggestions, your own experience about risk. आपके projects में जो मैं सर से रंजन सर से request करूंगा कि आपके कुछ experience share करें. Students को बहुत सारे students भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग, इनको कुछ guide करें सर. सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन. आपने जो नॉर्मल बातें हैं वो अच्छे तरीके से बताई. क्या होता है कि एक 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 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, इनविटेशन रिस्क ऑल्सो. इनविटेशन रिस्क, रिस्क को हम इनवाइट करते हैं. मैं आपको अपने यहाँ की एक घटना बता दू. एम आर इसी के अंदर गर्ल्स हॉस्टल बना, गर्ल्स हॉस्टल बना, और जो गर्ल्स हॉस्टल का मेस था उसके उसमें जो आर्किटेक्ट हैं, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं दिल्ली के, नाम नहीं बताऊंगा, तो बहुत बड़े आगे दिले. उन्होंने क्या किया, बॉयज टॉयलेट देना भूल गए, मेल टॉयलेट नहीं दिया. अब गर्ल्स हॉस्टल में काम तो सब लेडीज नहीं करेंगी, मेल भी करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, लेडीज तो अंदर गर्ल्स हॉस्टल में चले जाएंगी. तो मैं उस टाइम इंचार्ज था, मैंने कहा उनको कि आपने ये गलती कैसे कर दी, ये रिस्क. बोले साहब गलती हो गई, फिर से बना देंगे. तो चक्कर क्या है, उन्होंने उसको देखा ही नहीं ड्रॉइंग को, उनके किसी असिस्टेंट ने बनाया जो यंग लड़के होंगे, और उन्होंने उसको साइन कर दिया. तो ये रिस्क मैनेजमेंट भी है, एक तरीके का रिस्क मैनेजमेंट है कि आप जो इनिशियल गलती करते हो उसको आप कैसे ठीक करो. फिर दूसरा क्या किया, उन्होंने किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाना भूल गए, एग्जॉस्ट फैन ही नहीं लगा किचन में. तो जब एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं. एग्जॉस्ट फैन नहीं है तो बोले बोले साहब ये रहा कि हम इसको चीजल आउट करके निकाल देंगे. हमने यहाँ चीज अलाउट आप कर देंगे, कितना आप वेस्टेज करेंगे, यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट. तब उनके समझ में आया कि ये छोटी छोटी जो मैनेजमेंट की रिस्क है वो नहीं करना चाहिए, और हमको सुपरविजन पे अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए. सुपरविजन इज ऑल्सो इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है. आप जैसे सुपरविजन करते हैं, मैं इलाहाबाद में कोई बिल्डिंग कर रहा था, वहां पे देखा वो कॉन्क्रीटिंग होने वाली थी. मैं बाय चांस उस टाइम पहुंच गया तो मैंने देखा वो फैन हुक डालना भूल गया कॉन्ट्रेक्टर. ओह माय गॉड, फैन हुक डालना भूल गया. अब फैन हुक तो क्या है, बाद में उसको जब डांटा कि भाई कंक्रीटिंग का सब सामान आ गया था, हमने कहा थोड़ी देर रुको इसमें फैन हुक लगाओ. बोले साहब भूल गया. अब उसके भूल जाने से और सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, नुकसान तो आपका होगा ना, बाद में चीजल आउट करके हम वो फैन हुक लगाएंगे. तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छी चीज है, और इसको सुपरविजन के टाइम में बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. जी सर, जी सर, वेरी मच विनोद जी, आपने बहुत थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. जी सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने ये चेकलिस्ट वाला जो है ना, जैसे आपने जो ये कहा, इसमें चेकलिस्ट हम रखते हैं जैसे प्री कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन. हाँ बिल्कुल, जैसे जो होनी चाहिए. तो उसमें चेकलिस्ट में पकड़ में आपको याद, कई बार भूल, देखिए भूलना तो एक कॉमन ह्यूमन वो है, ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन चेकलिस्ट है तो नहीं भूलेंगे आप. अच्छा, प्लस दूसरा क्या कि आपको कभी अपने सबऑर्डिनेट पे भी बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए. हाँ. आपको स्वयं चेक करना चाहिए. आप जब खुद ही पर्सनली चेक करोगे ना तो आपको पता चलता है कि क्या है. फिर आपके दिमाग में दूसरे प्रोजेक्ट करते टाइम ये आएगा कि यार हमें फाइन हुक चेक करना है, ये चेक करना, वो चेक करना. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें रिस्क को अवॉइड करना चाहिए. जी सर, बहुत जी अच्छा घर साहब, आपने बहुत अच्छा. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. मैं चाहूंगा सर इस फोरम पे आप नेक्स्ट संडे में आपका जो है ना, नेक्स्ट संडे या उसके बाद हम आपको बात कर लेंगे, और हाँ मैं बात करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बात करेंगे. यस सर, यस सर, यस सर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या ऐसा कुछ करके जो भी आप कहेंगे उस पे अपन वी कैन हैव लाइक. बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच. तो ये हर संडे रहेगा सर, और आप जब भी जो है, और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करिए सर. आप जो नहीं करेंगे अभी तो सब ऑनलाइन है. हाँ, अभी ऑनलाइन खुल जाएगा तो मैं बताऊंगा. मैं चौबे बॉस से रिक्वेस्ट करूंगा अपने कुछ व्यूज दें इस बारे में. राजकुमार चौबे बॉस कलकत्ता से ज्वाइन कर रखा है इन्होंने, इज ए वेरी सीनियर MNITian, बहुत तगड़ा इनका भी एक्सपीरियंस है. प्रैक्टिकल है बॉस या चले गए? यस बॉस, बॉस मैं छोड़कर हम कहाँ जाएंगे. अरे नहीं ये थोड़ा थोड़ा आप काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इनको थोड़ा अपना मैसेज दीजिए, इनको जो है रिस्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इसके बारे में, और इन जनरल भी कुछ भी आप थोड़ा मोटिवेट करिए. मैं 40 साल से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ
और दुनिया के कई हिस्सों में, अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर भारत के कई राज्यों में प्रोजेक्ट किया हूं और कर भी रहा हूं। अभी भी मेरा एक जॉर्डन में प्रोजेक्ट चल रहा है, एक मैसूर में चल रहा है कर्नाटका में, और एक अपने जयपुर में मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। पीपीपी मॉडल पे जयपुर नगर निगम के साथ मिलकर हम काम करने जा रहे हैं, तो उसमें विनोद की मुझे जरूरत पड़ेगी ही। अरे क्या बात है। तो विनोद, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरे को बहुत सालों से पढ़ाता आ रहा है, हालांकि मैंने ये मैंने नहीं पढ़ा सकता। अरे भाई, जब वो लाल कोठी में खोला था एक स्कूल तुमने, तो वो लाल कोठी नहीं, वो भाई गोदाम पुलिया से निकल, तो मैं गया था कि भाई मुझे भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा दो, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली फिर कलकत्ता भागा, नहीं कर पाया। मेरी इच्छा तो है कि मैं विनोद गुरुजी के अंडर में कुछ पढ़ूं। प्रोजेक्ट में जो अभी बॉस ने कहा ना कि ये सारी चीजें खुद देखनी चाहिए, तो ये छोटे प्रोजेक्ट में संभव है, लेकिन जब मल्टी लोकेशनल प्रोजेक्ट है और बड़े प्रोजेक्ट हैं, वहां सारा कुछ खुद करना संभव नहीं है। इसके लिए तो एक चेकलिस्ट हो। हाँ, भले चेकलिस्ट की मॉनिटरिंग हम कहीं भी बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं, बट चेकलिस्ट इज ए मस्ट, एंड इसका ओनरशिप किसी रेस्पॉन्सिबल सेकेंड लाइन के ऑफिसर्स के हाथ में होना चाहिए, हु शुड बी रिपोर्टिंग टू द टॉप बॉस। वो सारी चीज हम एक आदमी नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें 100 इंजीनियर इन्वॉल्व हैं, उसमें आप कहाँ कहाँ खुद चेक करेंगे, नहीं कर सकते। यस, इसीलिए चेकलिस्ट, एंड दैट चेकलिस्ट शुड बी मॉनिटर्ड। शाम को आधा घंटा जो टॉप लेवल में है, जैसे सीईओ है या जो प्रोजेक्ट के हेड हैं, वो आधा घंटा उसको रिव्यू कर सकते हैं, भाई हमारे इसी साइट पे ये जो हो रहा है। लाइक 2005 से 2008 राजस्थान में मेरे पास 17 प्रोजेक्ट थे 17 शहरों में। उसमें नर्मदा नहर का भी प्रोजेक्ट था, माउंट आबू का सीवरेज लाइन भी था, किशनगढ़ का सीवरेज था, झुंझुनू का सीवरेज लाइन का काम था, और मेरे को 44,000 मेरे को ट्रांसफार्मर लगाने थे, FRP का भी काम मेरे पास था। तो मेरे पास उस समय 80 इंजीनियर थे राजस्थान में। अगर मैं सारे साइट का खुद ही चेक करता तो शायद ये दाढ़ी बच गई, वो भी नहीं रहती। वी हैव टू डेलीगेट, वी हैव टू सिलेक्ट पीपल हु कैन रियली परफॉर्म। अगर हमारा सबॉर्डिनेट फेल्योर होता है, इट मीन्स आई एम फेल्योर, आई हैव सेलेक्टेड ए रॉन्ग पर्सन ऑन ए परफेक्ट चेयर। तो हमें देखना होता है कि हम सही व्यक्ति को सही जगह बैठाएं, वो परफॉर्म करेगा, हम उसको मॉनिटर करेंगे। और ये बहुत बढ़िया प्रयास है विनोद जी, और आई एम रियली इंटरेस्टेड। मैंने सारी बातों को ध्यान से एक एक शब्दों को सुना है और सीखा भी हूँ। अब तो हालांकि 68 प्लस एज हो गई, सीखने में कमजोर हो जाता हूँ, लेकिन चेष्टा है कि कुछ सीखूं विनोद जी से। थैंक यू विनोद भाई। नहीं नहीं, मेरा पर्पस बस यहाँ पर ये, मैंने जैसे कहा कम्युनिटी क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी, जिस तरह से सारे कमरे है ना, आर्किटेक्चर ICA सब तरह, देर इज नो कम्युनिटी अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो दिस इज माई एफर्ट, मैंने इसको शुरू किया है, बट मैं अकेला नहीं कर सकता इसको, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता मैं इसमें, बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं कर सकता। सो आई नीड योर सपोर्ट। आप तो इसको मेरे ख्याल 2005 से कर रहे हो। हाँ, वो तो कर ही रहा हूँ मैं, वो तो कर ही रहा हूँ। अभी किसी ने हाथ खड़ा किया है, मिस्टर अमित। Yes, please. Hello, sir. Yes. Good morning, sir. Good morning. Sir, Amit this side, actually, I'm also in same stream like you. Okay. I have done my construction project management in RICS. Currently, I am working in Aluwalia Contracts India Limited on a Jammu project. Very nice. So, sir, actually, certain risks are very predictable, you know. We can predict about them. We know about them. We know how to mitigate them. Yes. But this the situation which one is going on now, this is all about uncertain risk. Okay. Like we have tried in our project that we are doing a 1200 crore of project. Okay. Right now. So yes, we tried that we can mitigate all kind of certain risk. Okay. About labor, about resources, about manpower, everything. Yes. But now what is happening? We are going through labor crisis. Labor crisis, okay. Yeah, because somehow this is Jammu location, so
people are fear about that. Along with that, project is also somehow impacting our labor management. Okay. So I'm not able to understand that how to prevent or mitigate this type of situation. Like along with that, one more situation we are facing right now, the environment issue. The okay. Jammu is a location where rain occur anytime from anywhere. Okay. Okay. You can't predict about that. Yes. Your whole day of productivity will be zero at the end of the day. Yes. So I don't understand that how to mitigate or predict or somehow manage this kind of risk. We have tried to manage our labor crisis. We contacted so many vendors. I can say I have only dialed hundreds of number to vendors. Okay. Ask them about the labor, but the formula was not successful. Okay. So I don't understand that how to manage this kind of risk. Yes. Amit, like a very relevant question is there. It's very relevant. And by your question, it's very clear that you are from project management, you are the terminology you are using. So as you said, there are risk, known risk and unknown risk. The risk has been divided into risk itself is unknown. Yeah. And risk itself is unknown, but then again, there is unknown, unknown and known, unknown. Yeah, like, there is a lot of bifurcation. Like, so there are two types of risk, known risk and unknown risk. We can say known unknown and unknown unknown. So unknown unknown is a force measure. We are talking of the risk which a project manager should handle. A project manager can handle only the known risk and the management will handle. So we have two types of reserves. We have two types of reserves in our projects. There are contingency reserves and there are management reserves. Contingency reserve should be calculated by the project people like you. You should calculate the contingency reserves which are due to known risk. Mm-hmm. If there is some unknown risk, which has never happened, or which happens once in 100 years, that is unknown. Earthquake is unknown. Mm-hmm. Floods are unknown. These are all force measures. So we don't plan our projects for earthquake. We don't plan our projects for floods. But Jammu rains are not unknown unknown. It is not unknown risk. Jammu rains are not unknown unknown. So you have to plan your project according to known risk, and unknown risk has to be at the level of management. Getting my point? Yes, right. Now the thing is, whether you are able to solve your problem or not, whether you are able to get success in your project or not, whether you have to ask one question to yourself as a project manager, have you put your 100% efforts? If anybody else could have been there in your place, he would have also not solved the problem. He would have also done the maximum this much only whatever you have done. If your answer is yes, then it's okay. Right, sir, right. Getting my point. If something cannot be changed, it cannot be changed. So we are not God. No, we have our limitations. But as a project, it's quite disappointing for me that in a 10,000 cubic meter of concreting kind of project, you are not able to do 1 m³ of project, 1 m³ of concreting in a single day. What you can do is, suppose you have a limited labor, limited equipment, you can request them to have a double shift. How you can utilize, you have to find out there how I can increase the productivity. How can I make them work in double shift or whatever, because you can understand your situation. Whatever you have told me, I could understand this much only. And then in Jammu rains, you can plan in such a way that always you have some work which is not that much impacted by the rains. Not that much impacted. Some internal work can be there. Then some work which is less impacted due to rains. Then some mitigation, like you can have some shades, some protection from the rain. Like that you can plan, because you only can. I have never worked in Jammu or like that. I cannot understand properly, but I know
व्हाट पीएमआई सेज अबाउट इट. मुझे ये मालूम है कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज सजेस्टिंग गो लाइक दिस. सो लेट अस, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इफ देयर इज अननोन रिस्क लाइक कोरोना इज देयर. Nobody predicted. It has never happened in the history of mankind. Never happened. You and me can't help it. Even I am doing projects, I am helpless. Nobody can do anything in this. But whatever can be done, whatever can be done, are we doing it? That is the question. So what I am doing, I am also doing projects. I have a limited labor. I have my project people also in this seminar also. They are working hard on that. At times, they don't have work for 3 days. At times, they work day and night. Because right. projects are not done in a like a casual manner or 10 to 6 nahi hote project. Project mein 4 din ho sakta hai khali baithna pade aur 4 din ho sakta hai raat din kaam karna pade. It is a demand of the project. Chahe wo designing sir Ranjan sahab baithe hain. Maan lijiye koi urgent designing project aa gaya. रात दिन कई बार लगना पड़े चाहे डिजाइन का चाहे डिजाइनिंग ऑल्सो ए प्रोजेक्ट. आपको करके देना है कोई काम अर्जेंट करके देना है डे एंड नाइट. समटाइम्स कोई एस्टिमेट बना के देना है कोई और कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट बना के देना है. वी वर्क डे एंड नाइट समटाइम्स. वी ऑल बिलोंग टू प्रोजेक्ट्स ओनली एंड वी हैव बीन डूइंग वर्किंग लाइक दिस. यू हैव टू फिक्स प्रायोरिटी. यस यस. But actually, our priority are fixed, our targets are fixed, everything is fixed. But what is happening nowadays that we are constructing 35 plus towers there, and all of them are below plane. We can't execute any internal activity. All are the external activity. Along with that, there are some kind of design constraint also. Like in hospital area or academic area, there is enough steel or concreting that any vendor can agree to do. But in residential area, we all know that the steel factor will not exit more than 4 and 5. So you remember, Amit, you remember I gave one example of avoidance. I said, "Mera plot, I have a plot in such a location where I am sure that there has water scarcity is going to happen. So I avoid that risk and even I leave that project. Why should I be there when there is so much risk? Why? Right, sir, right. That can also be a, like, you know, why are you putting your career on the risk? Because you are working in such environment where work cannot be done. Kaam ho hi nahi sakta hai. Right, sir, right. So you have to think, you may have to think at that way also. Agar aapko malum hai, you cannot perform. आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है, ऐसी सिचुएशन में है जहां आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते सारा कुछ करने के बाद. Avoid that project. Right. Why to do that? Yeah, Mr. Mohammed Khan, आपने काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है. Yes, Mr. Mohammed. Yeah, Mr. Vinod. UPP can listen now. Yes, please. Yeah, Mr. Vinod, first of all, thanks a lot for a very good webinar you have conducted. Thank you. And to be frank, it's a good topic you have chosen, the risk management. Yes. I'm working as a project manager here in Riyadh, Saudi Arabia. Very nice. The thing is that most of the people avoid this topic. Yes. The projects. So anyways, it was a very good project. The thing is that it was a very good webinar. I just request you to please share the recording also with all the people who joined. Yeah, Secondly, sure. Actually, my question is that regarding the COVID-19, how can we handle it in future? It's okay now, it is done, it's done. Is there anything which can we take in advance that it should be avoided, like these kind of things might occur in future? Is it known as a force majeure or unknown? Because still nobody has decided COVID-19 as a force majeure or unknown. If it is decided, yes. Then who will pay for this one? Is it the management reserves or the contingency reserves? Let me clarify you, Mr. Mohammed. COVID is not a risk for project. Okay. Let us go ahead. COVID can be a cause of risk. COVID is a cause. Okay. Because COVID, there are so many people who have used it as opportunity also. Perfect. There are so many people who are ruined by it. There are so many people which are unaffected by this.
agree. There are all kind of people. So there is a cause. It's a cause effect of which has been different on different people. So our topic is project risk, not the general risk. COVID again. COVID can be a project risk, cannot be a project. It is a cause. Now your risk. Now I come to risk. What is risk? Due to COVID, you are not getting manpower. Yeah. So having manpower scarcity is a risk. Okay. Okay. That is a risk, project risk, if at all it is for you. Manpower scarcity may be a risk, or financial can be a risk, but COVID is a cause of risk. Okay. Yeah. So now you say, so how to prevent the risk in future because of COVID, what happened? If you tell me exactly, okay, the risk is that, the risk of working is there. So people are finding out the solution. Like we are previously, I never assumed that we will be like talking like this. And maybe 2 years back, I always used to like the classroom training only. I'm not the person who could enjoy this kind of meeting. But now I'm enjoying it. Now I'm feeling as if I am in the class. I changed myself. Everybody of us changed ourselves. So this is due to COVID only. So like that. Now come to labor. Suppose labor is there. So then we have to find out the ways how to reduce the labor component in the projects. How to increase the equipment component. We may need to find. Something will come out. Because we say na ke jo avashyakta avishkar ke janni hai. So when need is there, we will find out certainly different. So we must do work. We must keep working on the solutions. COVID is a problem. It may come again. Now, how to get rid of it? So maybe we need to change our projects. Maybe like exactly. I will tell you, I was doing construction projects, this and that. Now I have added this online training. Now only because of COVID only I have started doing online training. So I changed my plan, career plan. So like that, so I avoid certain, partly I avoided the risk, partly I accepted the risk, partly I mitigate the risk. Like that. So you mean to say that there must be some amendments in our project plans, because sure this will affect the triple constraint of the project. Yes. So first you identify, reach till the risk, exact risk. Perfect. You can say manpower, the labor is not available. Non-availability, scarcity of labor is a risk. Yeah. COVID is a cause of that. COVID can be a cause. But scarcity can be, today COVID is there, this problem can come anytime. Perfect. You now, hit the bullseye. You hit the bullseye, Mr. Vinod. Exactly. I believe that most of the project managers who are attending now, they might also have the same confusion, what I'm having. But now, alhamdulillah, you clear it. It's good. Thanks. You clear it. Thank you, Mohammed, for taking this much interest in this webinar. Yes, Abhaji, bataiye. Unmute kariye apne aap ko, unmute. Okay. Good afternoon. Thank you so much. Vinodji, it was fantastic. You know, I could really connect with it because as I'm preparing the environmental impact assessment reports, in environmental impact assessment, although there are 12 functional areas, and risk assessment is one of them, the functional area of that EIA report. Okay. Yeah. So as there are many students and new generation, I can say that learning this risk assessment and risk management, they can even be the resource for preparation of EIA EMP report. At least they can be the one functional area expert. Okay. Number one. Right, and it is fantastic. You have given all the things which normally we also follow, but you have elaborated and explained me so much that I have understood many things from your presentation, no doubt. It was fantastic. And not only you explained about the project risk actually, but risk we consider are also biotic as well as non-biotic. Biotic risks also we consider, like flora, fauna,
socio-economic, air pollution, water pollution, and all these things, biodiversity, these also all things we understand. Another thing I would like to add, Vinodji, you said that if there is any risk, we should avoid taking the risk. You gave the example of the plot. If I have a plot at the place where there is scarcity of water, it is the risky area, so we should avoid it. But I think we can also find out the alternative methods of it. For example, the Mahindra World City. You must be knowing about the Mahindra World City. Yes. There is no water at Mahindra World City. They don't have underground water. Nothing is there. But still it is flourishing. How? Because during construction, they took the water from tankers. And now most of the buildings are self-sustainable. They have established the sewage treatment plant. Okay, they are using rainwater harvesting. So slowly they are becoming self-sustainable. And only they are procuring drinking water. Okay. Only they are procuring drinking water and slowly. So in that way, we can also find out the alternative methods to overcome the risks also. This is one of the ways, just I'm giving it, otherwise you are very well, that we should first of all avoid the area. But still it's... That is the last option. That is the last option. That is the last option. But somehow means we are overcoming these types of natural risks, and we are somehow trying to overcome this natural risks also. No, I was sharing the options available, options which people choose. Yeah. So people choose this also. So there is no suggestion in this situation you do it, but there are people who might not be knowledgeable about the things you are sharing. And they might not be knowledgeable about that. With the limited knowledge, with the limited knowledge, they may go for avoiding that. It's like that. Yes. That is there true. Are solutions. Like suppose you want to do construction project. I am into construction project. And I feel there is a risk of payments. And I may avoid, I will not do construction project. I will do designing only. But then there are always alternative methods. But I don't want to choose them. I started my seminar with this risk attitude. Risk appetite, risk tolerance, risk. So it is with the individuals. So there can be some individual who will opt for that that option. Yes. That option has been kept because people do it. It's not a suggestion. It is it is a research that people opt for these options. Now, who opts for what option? It is different for different people. That is their perspective. That's why before starting the topic, I started with risk attitude, risk aptitude, appetite, risk tolerance, and risk threshold. It is for individual. Yes. Sarkari project mein risk lena hi nahi chahte koi. Private mein alag alag log. Haan, ye baat to bilkul sahi hai. So like that I am saying. That's fantastic. You are doing a great job, Vinodji. It's so too good. I cannot do anything. I cannot do anything without people. I've been trying it for long, but now it is becoming possible. Now I'm very hopeful that we will be able to do it. We will be able to create a community. Again, I'll tell you, my purpose is to create a community and create awareness about proper project management technique so that we can have more successful projects. That is the purpose. That's wonderful that you are creating the community. Actually, we need to do it. Yes, yes. So every Sunday, 11 to 12, we'll meet. Huh? Abhimanyu, bata ye question. You have raised your hand. Okay. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. सर आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड सर ये वाली चीजें हमें कॉलेज में नहीं सिखाते हैं तो सर एज ए सिविल इंजीनियर ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल था एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप मुझे सुन सकते हैं सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे लास्ट टाइम अभी अमित सर ने पूछा कि सर अमित सर अभी लेबर क्राइसिस फेस कर रहे हैं तो सर ये वाला जो फैक्टर है रिस्क का क्या हम ये पहले से प्लान कर सकते थे जैसे कोविड तो लाइक 2019 से एक साल हो गया तो क्या हम इसे पहले से प्लान कर सकते थे कि ये लेबर रिस्क आगे आ सकती है और इसको सॉल्व करने के लिए क्या कुछ अपन ऐसे भी प्लान कर सकते थे कि जो वहाँ के लोकल वेंडर्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके रखें पहले से उनके साथ में अच्छा बॉन्ड बना के रखें कि अगर इन केस कुछ
क्राइसिस हम फेस करते हैं तो वहाँ की जो लोकल लेबर है उन्हें हम पिक कर लें, सर क्या ये पॉसिबल हो सकता था, मेरे ही क्वेश्चन है। यस यस, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन अभिमन्यु, एंड इट शोज दैट लाइक यू हैव पार्टिसिपेटेड लाइक थोरोली इन द सेमिनार, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। So I have a like answer for this, because as you said ki normally the your question as far as I am understanding is ki normally on construction projects we have our preferred subcontractors, preferred laborers, preferred. So I know, suppose I am from Rajasthan and if I go to do I am doing a project in MP, I will take the subcontractors and all from MP or some place Rajasthan where I like normally take, I have a connection with. But as you said, due to COVID, there is a like a scarcity of outstation labor. Outstation labor ki ekdam se scarcity hai, because and this is what your question says. So in that case, now what is happening? Ki labor migration is not becoming possible. It is not that easy as it was 1 year back. So now we can always train the local people, because they cannot go out. Bahar ke log wahan nahi aa sakte, yahan ke log wahan nahi ja sakte. So in that case, we can take help of local labor. We can like get connected with them, get acquainted with them, and create a confidence in them. कि ठीक है भाई आपको जो है time से पैसा मिलेगा, time से मिलेगा, उनको भी फायदा है, उनका भी खर्चा कम है वहाँ पे. And you may get a cheaper labor. Only thing is because you were already connected with all your previous subcontractors and laborers, you were using them. So yes, now you are exploring it. And I have a practical example in this. I have a practical ki if you we are doing project in MP and due to this COVID, when we are getting the work done through local labor, we are doing it on the lower rates in this and easy availability. Local labor is available, easily available. Whatever is our requirement for the project, we are getting it fulfilled and we are saving money also on labor part. And that labor, local labor is also getting the work which they were not doing otherwise, they were not able to get it. So do I answer your question exactly or कुछ आपका मतलब यही था पूछने का? हाँ सर ये भी था, और सर मैं ये भी पूछना चाह रहा था, जैसे अमित सर ने बोला कि स्टील स्ट्रक्चर एंड कुछ कुछ एरिया में वो बिल्ड नहीं कर पाए जिसके कारण इंटरनल वर्क चालू नहीं हो सकता, तो सर जैसे प्रोजेक्ट पहले से चालू था तो क्या अपन ये भी प्लान कर सकते थे कि ये वाला स्ट्रक्चर पहले बिल्ड कर लेते हैं ताकि अगर क्राइसिस है तो अपनी जो बिल्डिंग है जो प्रोजेक्ट है उस पे इंपैक्ट ना हो। निश्चित है, जस्ट लाइक सर क्रिटिकल पाथ, जस्ट लाइक अपन एक क्रिटिकल अपन बना सकते थे और जो जिस टास्क के कारण प्रोजेक्ट डिले हो रहा है उसको अपन पहले ही प्लान कर ले ताकि पूरे प्रोजेक्ट पे इंपैक्ट ना पड़े, तो सर क्या ये ऐसा हो सकता था पहले? नहीं बिल्कुल हो सकता था, लेकिन जिस तरह से मुझे इस पर्टिकुलर केस की बात है, आई एम नॉट very well aware of this project. Sorry to interrupt you, sir. Can I answer? जी हाँ हाँ. अभिमन्यु, actually what was condition there ना कि whatever we do, like if we are contractor consultancy or we are a vendor or subcontractor, ultimate goal जो हमारा होता है वो होता है profit. Okay. So if you are investing your time, your money, your manpower in something, ultimate तुम्हारा goal होगा कि तुम्हारे पास में profit आए. होता क्या है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको दो बेसिस पे काम करवाना होता है, इधर यू आर गोइंग ऑन कवर्ड एरिया बेसिस और इधर ऑन मेजरमेंट बेसिस। मेजरमेंट बेसिस का एक सर्टेन रेट होता है कि पर टन हम आपको इतना रेट देंगे, अब वो लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, लाइक दिल्ली जैसी कंडीशन है वहां पे आपके कम रेट भी होंगे तो आपको चल जाएगा क्योंकि वहां पे मैन पावर की अवेलेबिलिटी इतनी होती है, लेकिन जम्मू जैसी कंडीशन में क्या होता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में काफी कम सीमेंट का एक वो होता है अमाउंट होता है, तो आपको वेंडर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि आप ये काम कर लीजिए, वी विल मेक श्योर कि आपको इसमें लॉस ना हो, तो वहां पे कंडीशन जो आ जाती है वो आ जाती है वेंडर के हाथ में कि वो कन्विंस होता है कि नहीं, वो काम करना चाहता है कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या है कि एक चीज के लिए ये चीजें क्रिटिकल पाथ बना लोगे, उन चीजों को प्रायोरिटाइज कर लोगे, लेकिन अल्टीमेट करवाना आपको लोगों से ही है, क्योंकि अगर स्टील और शटरिंग का काम अगर आप अपने सप्लाई बेसिस पे या अपनी रेगुलर लेबर से करवाने लगे, इट विल बी वेरी कॉस्टली। ओके, सो वहां पे दिक्कत जो आती है वो आती है वेंडर की,
वेंडर को लाना, उससे काम करवाना और उसको प्रॉफिटेबल बनाना, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आप एक लेवल पे उसको काम करवा के जाने दोगे, आपको पूरी बिल्डिंग चाहिए उससे। तो वो कंडीशन जो है वो टोटली चलती है मैनेजमेंट के नेगोशिएशन पे, और आप आपका जो वेंडर है वो किस तरह की स्किल्ड मैन पावर ला रहा है, उनको कैसे मैनेज कर रहा है, कितने टाइम में चीजें खत्म कर रहा है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं तुम्हें, प्लिंथ बीम हम सब जानते हैं। हमारे पास में एक वेंडर आया नोएडा से, उसने एक प्लिंथ बीम बांधने में 45 डेज ले ली, और उस प्लिंथ बीम का जो स्टील था दैट वॉज ओनली 7 टन, एंड फॉर 1 टन वी वर पेइंग 5500 रुपीज। ओके, सो यू कैन इमेजिन की वॉट काइंड ऑफ लॉस ही बियर। देर वॉज 25 to 30 लेबर विच वर ऑन साइट एवरी डे। सो डिपेंड करता है कि आप जो मैन पावर लेके आ रहे हैं वो कितनी स्किल्ड है, वो कितनी अपने काम से नोन है। yes, उसके अदर हैंड हमारे पास में एक और वेंडर था जिसने सिर्फ 15 डेज के अंदर एक 55 मेट्रिक टन की राफ्ट कंप्लीट कर दी। 15 दिन में 55 मेट्रिक टन की राफ्ट। ओके, सो आई थिंक कि तुम्हें अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। यस सर, थैंक यू। Yes, अच्छा ये असित, you want to ask something? Yes, sir, actually I also have a question. Actually, you had completed all the questions very well. Starting से मेरे को काफी सारे questions आए थे, but धीरे-धीरे जैसे आप बताते गए तो all the questions were like okay, सबका answers मिल गया. But a few questions are like कि you talked about the proactively approach कि yes. हमें proactive होना पड़ेगा अपने काम को लेके. But sir, sometime in I feel particularly look into the construction sector, तो कई बार कुछ ऐसे problems भी आ जाते हैं जो शायद हमारे लिए काफी unknown हो और हम उन्हें predict करके कुछ और बैठे हैं पर होता कुछ और है। For example, like labor cost, हमने एक specific amount पर कोई labor fix की है, but the project is little bit risky. तो risky project में the labor are saying कि no, हम ज़्यादा पैसा आपसे लेंगे। तो if this kind of condition occurs, then what should be our attitude and how can we solve that condition? And the second thing is that ki sir also about the building material, like sir building banane mein kuch material use hum jo kar rahe hain kuch aise aspects aate hain jisme hamara jo estimated cost hum ek budget bana kar baithe hue hain ki ha is cost par hum usko le sakte hain, but either we government change or tax change, like jab GST aaya tha to us time might be is type ki kafi conditions hui thi, to sir is type ki condition mein ab तो हमारा जो प्रोएक्टिव अप्रोच होता है सर वो तो फेल हो रहा है फिर, तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए और हाउ कैन वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ कंडीशंस? देखो अगेन आई विल से देयर आर नोन रिस्क एंड अननोन रिस्क, है ना। नोन रिस्क क्या है कि जो नॉर्मली घटती रहती है, जैसे आज आपने अज्यूम किया कि मैं तीन जो है रेट बढ़ने का, जैसे आज आपने अज्यूम किया कि मुझे 500 रुपए में मिस्त्री मिलेगा, ठीक है, या मेरी कॉन्क्रीट जैसे इन्होंने बताया अभी अमित ने कि 5500 रुपए टन में मैं स्टील का लेबर को दूंगा। अब प्रोजेक्ट चलते चलते वो कहते हैं मैं 6.5 लूंगा या 7.5 लूंगा या 8.5 लूंगा या 10.5 लूंगा, तो भाई 5.5 लेते लेते वो 6-6.5 करता है। ये वेरिएशन एक नॉर्मल हो सकता है। नॉन रिस्क को अटेंड करने का मतलब है कि आज आपने जो कॉस्ट एस्टिमेट बनाया है ये मानते हुए बनाया अगर कि 300 रुपए का सीमेंट है, और अगर आपको मालूम है कि पिछले 5 साल में सीमेंट 250 भी रहा है और 350 भी रहा है, यू हैव टू यूज दैट डेटा एंड यू हैव टू फील कि यार ये 250 भी जा सकता है, 350 भी जा सकता है। अब आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया मार्केट से कि व्हाट इज द मार्केट सिचुएशन एंड व्हाट आर द चांसेस। जैसे अभी अभी मेटल पूरा बढ़ गया, अभी 30% रेट्स मेटल पे, लोहे पे, रीइंफोर्समेंट स्टील, ये सब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? इसका कोई ट्रिगर होता है। ट्रिगर क्या होता है? जैसे जैसे कि कुछ सुना भाई चाइना से इंपोर्ट खत्म हो गया, मान लो, है ना, कोई स्टील आ रहा था चाइना से, इंपोर्ट बंद हो गया, चाइना से इंपोर्ट बंद हो गया तो स्केयरसिटी हो गई, स्केयरसिटी हो गई तो इंडियन जो भी कंपनीज है उन्होंने दाम बढ़ा दिए, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है तो दाम बढ़ गए। लाइक दैट इट हैपेंस, लाइक, बट देर आर सर्टेन रिस्क विच कीप हैपनिंग, विच कीप, जैसे जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कार के पेट्रोल का, यस, बारिश में सीमेंट भार पड़ा, ये इस तरह की चीजें हैं जो हर साल होती हैं, हर बार होती हैं, हर प्रोजेक्ट पे होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको मैनेज नहीं करते हैं। रेट बढ़ जाना, लेबर कम पड़ जाना, ये नॉर्मल है,
दिवाली पे लेबर की छुट्टी होगी, अखातीज पे होगी, ये लेबर यहाँ पे या इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर इलाके में जहाँ पे प्रोजेक्ट है आपका वहां ना वहां पे, या सर ने जैसे बताया रंजन साहब ने कि ये गलती हो जाना, कोई फैन फैन हुक छूट गया, ये छूट गया, ये एकदम रेयर नहीं है, इनको कैसे हम हैंडल करेंगे, चेकलिस्ट बना के कि हमने ये कर लिया क्या, सीमेंट का दाम बढ़ सकता है क्या, क्या प्रोबेबिलिटी है, मार्केट में पता किया क्या चांसेस है, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि सीमेंट 300 से 350 हो जाएगा और 5 लाख का सीमेंट इससे इंपैक्ट आएगा 5 लाख का, तो हमने 2.5 लाख 50% 0.5 × 5 लाख 2.5 लाख रुपए की कंटिजेंसी डाल दी अपने एस्टिमेट में पहले कि भाई पहले कंटिजेंसी डाल के चलो, ये लेबर का रेट इतना बढ़ सकता है, तो मैंने जो एस्टिमेट में मेरे लेबर कॉस्ट ली थी 50% प्रोबेबिलिटी है कि लेबर का कॉस्ट 10% बढ़ जाएगा, तो 0.5 × 0.1 इंपैक्ट डाल के मैं उस कंटिजेंसी को पहले ही डाल दूंगा, गेटिंग माय पॉइंट, सो दैट इज प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि आप रिस्क को ऑलवेज अवॉइड नहीं कर सकते, ऑलवेज मिटिगेट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको रिस्क को, तो एनालाइज करके प्रोबेबिलिटी निकाल के इम्पैक्ट निकाल के आप कॉस्ट बेसलाइन में और शेड्यूल बेसलाइन में करेक्शन कर दें, रिस्क मैनेजमेंट करके आपने कोई काम को अगर 6 महीने में खत्म कर रहे थे आप, हो सकता है 6.5 महीने में करना पड़े, या 1 करोड़ में खत्म कर रहे थे तो हो सकता है 1 करोड़ 3 लाख में खर्च करना पड़े, खत्म करना पड़े, ये बात है। ठीक है ना, और इट मे गो बियॉन्ड कंटिजेंसी ऑल्सो एट टाइम्स, ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट, सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है, देन यू हैव टू हैव सॉलिड रीजंस फॉर दिस, कि अगर है ना वो रीजंस होने चाहिए आपके पास जो बिल्कुल बियॉन्ड योर लिमिट्स है, बियॉन्ड योर कैपेसिटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता सर, इसमें क्या कर सकता हूँ, मैंने सीमेंट 300 का 350 तक का कंटिजेंसी ले ली, ये तो 500 पहुंच गया, 500 तो यार पिछले 20 साल में भी नहीं पहुंचा था, तो दैट इज अननोन रिस्क, उसका कुछ नहीं कर सकते, मैनेजमेंट करेगा उसका, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कर सकता उसका कुछ, ठीक है ना। यस सर। या चेतन, यू वांट टू आस्क समथिंग, we have like we'll have with this last question sir. yes good afternoon chetan, how are you sir? bahut acha session tha sir, maine kai doubts likh rakhe the paper pe sir, very nice. mostly sab clear ho gaya sir. aap kis club se ho? aur sir bahut sir main raja park sir, raja park se nahi rotaract likha hai na aapne, kaun se rotaract sir? sir arya mein jo hua tha na sir, acha very nice he's also he's a new member of rotaract club of promoter. are wow, very nice, welcome chetan, welcome to rotaract family. उनका जो बेसिक पे होता है ना सर, बहुत कम होता है सर प्रोजेक्ट में सर, बेसिक पे कम होता है, जो लेबर्स होते हैं उनको बहुत कम पे मिलता है, मतलब 1,750 और ये होता है, यही होता है ना सर? हाँ सर, मेरे को थोड़ा ज्यादा पता नहीं है सर, मैं अभी इंजीनियरिंग कर ही रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना पता तो है मेरे को। हाँ तो सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, मतलब ऐसा क्यों सर, मतलब सर लेबर को सर अब मतलब और देशों में देखोगे तो उनका बेसिक पे बहुत ऐसा होता है कि वो अच्छी लाइफस्टाइल जी लेते हैं सर, मतलब एक ढंग की जिंदगी जी लेते हैं सर लेबर सर, पर जब इंडिया की बात करें सर अपन तो वो बात नहीं है सर, मतलब आप मैंने भी देखा है सर, मतलब बहुत टफ है सर उनकी, मतलब वो काम भी बहुत ज्यादा करते हैं सर, फिर भी बहुत टफ है सर। तो सर इसका जिम्मेदार कौन है सर, मतलब हायर या इतना कंपटीशन ज्यादा है या ऐसा, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्यों बना हुआ है सर अपने देश में? वेरी नाइस क्वेश्चन यार, आपका थॉट जो है, यू आर रियली रियली इंप्रेस्ड विद योर थॉट, इट्स सच ए लाइक नाइस, दो इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस रिस्क, लेकिन ये सिचुएशन है, चिंता की बात है, ये सोचनीय विषय है कि यहाँ इंडिया में इट्स नॉट ओनली फॉर लेबर, इवन द इंजीनियर्स आर लेस पेड, डॉक्टर्स आर लेस पेड, ह्यूमन मैन पावर, ह्यूमन एफर्ट्स आर पेड लेस, बाहर आदमी नाई इतना महंगा होता है, बाल कटाना अफोर्ड नहीं कर सकते, खुद ही काट लेते हैं, अगर बाहर दे कैन नॉट कीप कुक, वो नौकर नहीं रख सकते बाहर, खुद ही खाना, मैंने ना मतलब छोटे जैसे एक एग्जाम्पल मेरे को कोई बता रहा था कनाडा में, मीनाक्षी शेषाद्री बहुत बड़ी हीरोइन हुआ करती थी, और बाई चांस उसके कनाडा में शादी हुई तो पता चला पड़ोस में किसी के मेरे जानकर बोला बट कपड़े खुद ही धो रही थी, नाउ यू सो एक हीरो जैसी मूवी की हीरोइन रही है और बाहर विदेश में खुद कपड़े धोना पड़े, बिकॉज इट इज टू एक्सपेंसिव देयर, तो इट शुड बी देयर, आइडियल सिचुएशन इज दैट ह्यूमन एफर्ट शुड बी पेड वेल, बाहर लोग वहां सामान सस्ता है आदमी महंगा है, यहाँ
जहां चीजें महंगी हैं आदमी सस्ता है, ये सिचुएशन है। इट मे बी ड्यू टू पॉवर्टी, इट मे बी ड्यू टू पॉपुलेशन, है ना, देर आर सो मेनी रीजंस फॉर दिस। तो ये चिंता की बात है, एज ए रोट्रैक्टर हमें इस बात की है चिंता। सो इवन अब मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैं करता हूँ यहाँ पर, मतलब अगर आप दुबई या अमेरिका की बात करो, $3,000 की ट्रेनिंग होती है, वो जो है ₹3,000 देने को तैयार नहीं आदमी। ह्यूमन एफर्ट की कीमत होनी चाहिए, एग्री विद यू, एंड इंडिया में वो नहीं है, बहुत कम है वो, चाहे कंस्ट्रक्शन लेबर हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे वहां इंग्लैंड में प्लम्बर को इंजीनियर से ज्यादा पैसे मिलते हैं, हाथ से जो स्किल्ड आदमी है ना, उस स्किल के ज्यादा पैसे हैं एजुकेशन से। Yes, sir. हाँ, तो ये फर्क है भाई, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और इसी के मतलब देखिए, हम तो अभी दूसरी बात करें इंजीनियर्स का, तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए कम्युनिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहां पर हम सिविल या इलेक्ट्रिकल या जो है ना, वी हैव ए डिफरेंशिएशन इन आईटी इंजीनियर्स एंड नॉन अदर इंजीनियर्स, बट वी कैन कम्पीट विद आईटी इंजीनियर्स if we like follow proper project management techniques and like we try to go for global certifications, global, we start using global softwares and we start connecting ourselves with the global community of project management. So that effort we are doing, so that at least we start feeling that we are not that much less paid which other engineers are being paid in India. So ye ek problem hai, that people are less paid, labor are less paid. It is a matter of availability, because people are available, so that's why they are less paid. Everybody wants to pay the minimum. Agar aap, yes, aap, aap agar koi cheez khareedne jaoge, ek aadmi 10 rupaye mein de raha hai, ek 5 mein de raha hai same cheez, to kisse loge aap, chahe wo services hai chahe product hai. Ek driver aapko 50,000 mein mil raha hai, ek 20,000 mein mil raha hai, kaun sa driver loge? Same competency hai. So this is a problem. If I am getting a driver at 15,000 rupees, why I will pay 25,000 to him? Sir, that's the point, sir. Sir, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसा कुछ या तो government को, नहीं तो मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए। I agree with you. There should be a change. एक change आना चाहिए, है ना? एक change आना चाहिए। वो कहते हैं ना, वो कविता किसके, हरिवंश राय बच्चन की, किसके है कि बढ़ गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आई एग्री विद यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, है ना? बहुत सारे हम अपने एफर्ट्स करते हैं, देखिए क्या कहां तक ले जा सकते हैं अपन। लेट अस डू अवर ओन एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। इट इज 12:30, लेट अस क्लोज इट। थैंक यू सर, थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू आलोक रंजन साहब, and really I have no words to thank you, and it's a great motivation for me, great motivation. Man, now I'm feeling ki, okay, I should keep doing it, hai na? I should keep doing it. Aur koi suggestion aapka jab bhi ho, after the session anytime sir, I would like to. Theek hai, Chaube boss, namaste, thank you very much, hai na? We will close this session now and we will meet next Sunday 11, hai na, on this platform only. 11 बजे अगले संडे को मिलेंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर।